तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन जिस रोबोट को लेकर आया था सर्वेंट डांसिंग लेडी को खत्म करने के लिए, सर्वेंट डांसिंग लेडी ने उसे अपना ही गुलाम बना लिया और उसको लेकर वो गायब हो गई। और उसके बाद फ्रैंकलिन के पास रह जाता है सिर्फ और सिर्फ मैजिकल स्टोन। फ्रैंकलिन उस मैजिकल स्टोन को छुपा देता है ले जाकर एक पेड़ के नीचे, ताकि सर्वेंट डांसिंग लेडी उसे कभी भी ना ढूंढ पाए। और उसके बाद फ्रैंकलिन निकल जाता है उस रोबोट को जिसने बनाया था उस साइंटिस्ट के पास, ताकि उससे पूछ सके कि वापस से रोबोट को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, डिसमेंटल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन पहुंचता है कैयो पेरिको साइंटिस्ट के पास, वो साइंटिस्ट मरा हुआ होता है। और फ्रैंकलिन को पता चल चुका होता है कि उस साइंटिस्ट को उसी की बनाई इन्वेंशन उसके रोबोट ने ही मारा है। और उसके बाद फ्रैंकलिन वापस आ जाता है लॉस एंजेलिस और रात होने का इंतज़ार करता है और ये सोचता है कि देखते हैं सर्वेंट डांसिंग लेडी क्या अब उस रोबोट के साथ अटैक करती है लोगों पे या फिर नहीं। और फ्रैंकलिन जैसे ही रात को लॉस एंजेलिस के अंदर घूम रहा होता है, सर्वेंट डांसिंग लेडी और वो घोस्ट रोबोट दोनों ही मिलकर अटैक कर देते हैं और फ्रैंकलिन बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से शिनचैन वहां पर आता है गोलियां चलाते हुए और फ्रैंकलिन को वहां से बचा कर ले जाके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर देता है। अब देखते हैं आगे कि शिनचैन आखिर में कैसे बच के आया, शिनचैन को किसने बचाया और क्या फ्रैंकलिन सर्वेंट डांसिंग लेडी को कभी खत्म कर पाएगा भी या फिर नहीं, ये देखेंगे आज के इस वाले एपिसोड में। एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। तो जा रहे हैं गाइस अभी हम लोग उस वाली जगह पर जहां पर भाई शिनचैन बेहोश था। और शिनचैन को जब गाइस होश आया तब वो नदी के किनारे एक पड़ा हुआ था और उससे पहले का इसे कुछ भी याद नहीं है लिटरली में। भाई उस दिन जब ये हमारे घर पे सर्वेंट डांसिंग लेडी आई थी, जब मैं सर्वेंट डांसिंग लेडी को पकड़ने के लिए बाहर घूम रहा था और हमारे घर पे आई, शिनचैन पिंचन और चॉप को उठा के ले गई, उस दिन के बाद से अभी तक का शिनचैन को कुछ भी नहीं आता, क्योंकि भाई ये लिटरली में तब से बेहोश ही पड़ा हुआ था। और जब ये होश में आया तो एक नदी के किनारे इसकी नींद खुली और अभी फिलहाल हम लोग गाइस उसी नदी के किनारे देखने के लिए जा रहे हैं कि क्या पता भाई शिनचैन के साथ पिंचन, चॉप, लेस्टर, माइकल ये कोई भी आ गया हो, क्या पता भाई। इसलिए चलो एक बार देख के आते हैं या फिर कोई ऐसा सुराग वुराग मिल जाए, कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे हमें सर्वेंट डांसिंग लेडी के बारे में कुछ पता चल जाए। तो वही चीज़ चेकआउट करने के लिए मैं जा रहा हूँ गाइस उस नदी के किनारे जिस जगह पर एग्जैक्टली शिनचैन पड़ा हुआ था। हैं भाई शिनचैन, याद है ना ये जगह? तो याद है तुझे? अरे हाँ यार, वो तो याद ही होगा, अभी कुछ देर पहले तो उठ के आया मैं। ठीक है ठीक है। वैसे लास्ट टाइम गाइस शिनचैन ने मेरी जान बचाई थी सर्वेंट डांसिंग लेडी और उस घोस्ट रोबोट से, और सर्वेंट डांसिंग लेडी और घोस्ट रोबोट दोनों ने मिलके मेरे ऊपर बहुत ही बुरा वाला अटैक किया था। अगर शिनचैन ना आता भाई एंड टाइम पे, मैं नहीं बच पाता भाई, बहुत मुश्किल था मेरा बचना। वैसे भाई शिनचैन कौन सी जगह थी वो जहाँ पर तू पड़ा हुआ था जब तेरी नींद खुली? अरे वो थोड़ी सामने की तरफ है यार वो जगह। कौन सी जगह? जरा हूबहू एग्जैक्टली बताएगा तू मेरे को? अरे उसके ऊपर से एक पुल जा रहा था यार। पुल तो पीछे है भाई। अरे नहीं नहीं लकड़ी का पुल। लकड़ी का पुल? अरे हाँ यार, एक लकड़ी का पुल, ब्रिज ऐसा कुछ तो था वहाँ पर। और जैसे ही मेरी नींद खुली मैं उठा वहाँ से और फिर तुम्हें ढूंढने के लिए आया यार, तभी मैंने तुम्हें देखा। ओके, कहीं ये तो नहीं है वो लकड़ी का पुल? अरे नहीं नहीं ये नहीं है यार। सोच ले भाई। नहीं ये नहीं है। कहीं ये तो नहीं है सामने वाला? अरे हाँ यार यही तो है। ओके, तो मतलब यहीं पर तू आजू बाजू कहीं पड़ा हुआ था? अरे आजू बाजू क्या, ये हिरन जहाँ पर पानी पी रहे हैं यहीं पर पड़ा हुआ था मैं। अच्छा, कौन सी एग्जैक्टली जगह बताएगा? अरे एग्जैक्टली इस वाली जगह पे। कौन सी जगह एग्जैक्ट बता तू मेरे को, बिल्कुल रियल बता। वैसे तुम लोग सोच रहे हो गाइस कि मैं मुंह काला क्यों करके घूम रहा हूँ, भाई ये मुंह काला नहीं है भाई, ये मेरे को पीटा है उन लोगों ने, सर्वेंट डांसिंग लेडी और घोस्ट रोबोट ने, जिसकी वजह से मेरा ये हाल है। एग्जैक्टली बता भाई शिनचैन तू कहाँ पर पड़ा हुआ था जब तू होश से जागा, मतलब जब तू होश में आया? अरे मैं यहीं पर पड़ा हुआ था जहाँ पर तुम खड़े हो। ओके, मतलब एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है? अरे हाँ यार बिल्कुल। और ये तो जस्ट पानी के बगल में ही था, इसका मतलब? अरे हाँ यार, जब मैं होश में आया तब पानी बिल्कुल मेरी बॉडी को टच कर रहा था। ओके, तो गाइस आई गेस हमारा कोई साथी जैसे पिंचन, चॉप या फिर माइकल, लेस्टर, इनमें से कोई आजू बाजू हो सकता है। तुझे कुछ भी नहीं याद तू यहाँ पर कैसे पहुँचा? अरे कह तो रहा हूँ कुछ भी नहीं याद उस दिन के बाद से। अच्छा ठीक है, रुक जाओ गाइस ढूंढते हैं इधर, शायद से हमारा कोई साथी बातें मिल जाए, फुल चांसेस है भाई इधर माइकल, लेस्टर वगैरह के मिलने के। एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं पानी के किनारे, क्या पता कुछ पड़ा मिल जाए। ओके नहीं है इधर तो कोई, इधर नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, नहीं भाई यहाँ भी नहीं है, थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं।
ओके, ये पानी आ कहाँ से रहा है? आई गेस वो जो लॉस सैंटोस के अंदर बड़ा सा पॉन्ड है वहाँ से ये पानी आ रहा है, हो सकता है। हाँ हाँ, पॉन्ड नहीं भाई, झील झील, जो बड़ी सी लेक है लॉस सैंटोस के अंदर, वहीं से पानी आ रहा है। ये देखो वो तो रही सामने, ये पूरी की पूरी लेक, ये पानी यहीं से बह के आ रहा है। वेट, वो पानी बह रहा है भाई। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। नहीं, पानी का फ्लो देख तू। अरे फ्लो को क्यों देखूं मैं? देख तो सही, इसका जो फ्लो है वो इस तरफ है, लेफ्ट साइड हमारे। अरे तो कहना क्या चाहते हो तुम? क्या पता, जैसे तू यहाँ पर पड़ा हुआ था, क्या पता लेस्टर, स्पिनचैन, इनमें से भी कोई पड़ा हुआ हो और पानी के फ्लो के साथ आगे बहता चला गया हो। अरे हाँ यार, होने को तो हो सकता है। होने को हो नहीं सकता भाई, यही हुआ है। तेरे संग संग शायद उस सर्बियन डांसिंग लेडी ने हमारे कुछ और दोस्तों को भी छोड़ दिया है, और जिसकी वजह से उन्हें, पता नहीं उसने यहाँ क्यों फेंका, बट जिस वजह से भी फेंका हो उसने यहाँ पर, शायद वो लोग पानी के फ्लो के साथ आगे बढ़ गए हैं। यस गाइस, कोई ना कोई तो और भी आया होगा तेरे संग भाई, तू अकेले तो नहीं आया होगा। तू एक बात बता, जब तू उठा था तेरे आजू बाजू कोई था? अरे नहीं यार, जब मैं उठा था तब मैं अकेला ही था। ओ हेलो भाई, ओए वुल्फ भाई, तुझे क्या हो गया? ठीक है तू? आर यू ऑल राइट ब्रो? ऑल राइट है गाइस, पानी पी रहा मजे से। हाँ तो मैं कह रहा था भाई, जब तू उठा था उस वक्त तेरे आजू बाजू कोई था? अरे नहीं यार, कोई भी नहीं था। इसका मतलब डेफिनेटली गाइज कोई और भी आया है, पानी के फ्लो के साथ बह गया है। एक काम करते हैं, इस पानी के फ्लो को फॉलो करते हैं, क्या पता हमें आगे की तरफ कोई मिल जाए, हमारा कोई दोस्त साथी। तो चलो यार, फॉलो करो इस पानी के फ्लो को। ये पानी का फ्लो आगे की तरफ है गाइज, चलो चलो लेट्स गो लेट्स गो। ये पानी तो आगे बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है ये पानी? सीधे समुद्र के अंदर जा रहा है क्या? पता नहीं यार। हाँ मेरे को तो लग रहा है भाई सीधे समुद्र के अंदर जा रहा है। बट एक चीज़ बढ़िया हुई भाई, जिस हिसाब से भी शिनचैन हमारे पास आ गया है, जैसे भी आया भाई, बहुत ही सही हुआ यार, ताकि ये हमारे पास आ गया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लिटरली, मैं भाई लोनली फील कर रहा था, कोई भी नहीं था मेरी हेल्प के लिए। एक जो मैं रोबोट वो लाया था, वो भी बताओ यार मेरा दुश्मन निकला। अरे हाँ यार, उसकी क्या कहानी है, ज़रा अच्छे से बताओगे? बाद में एक्सप्लेन करूँगा, पहले चलते हैं इस पानी के फ्लो को फॉलो करते हैं। कहाँ तक जा रहा है यार ये पानी भाई? पानी ख़त्म नहीं हो रहा है ये वाला, लिटरली में अभी भी बह रहा है ये। आगे और चलते हैं ज़रा, इस पानी के फ्लो को फॉलो करते करते मैं तो भाई सच में थक गया हूँ यार। ये पानी बहता ही जा रहा है, ये नदी बहुत लंबी है, और ये नदी यहाँ से बहते बहते अभी और आगे तक जा रही है। चलो आगे चलते हैं कंटिन्यूसली। ओके, यहाँ पर जो है पानी थोड़ा शांत हो रखा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये आगे ही बह रहा है। आई गेस एक सेकेंड, उधर से भी कोई नदी आ रही है क्या भाई? लग तो रहा है यार। ड्रोन से तुम लोग एक बार ये इलाका देखो गाइस, ये नदी कहाँ से बहती हुई आ रही है, और एक और नदी उधर से बहती हुई आ रही है, और दोनों नदियाँ मिलके इधर ये थोड़ा लेक जैसा सीन बना रही हैं, और फिर उसके बाद आगे खुला समुद्र है। तो आई गेस अगर शिनचैन के साथ कोई भी आया होगा और वो बहते बहते इधर कहीं आया होगा, तो डेफिनेटली वो इधर उधर से बह के आगे समुद्र की तरफ गया होगा। तो आई गेस हमें इधर देखते हुए समुद्र की तरफ जाना चाहिए। चलो भाई, मेरी बात को तुम लोग समझ रहे हो ना भाई? देखो शिनचैन तो पानी के किनारे था, तो ये तो बहा नहीं, लेकिन इसके साथ कोई और भी अगर आया होगा, मान लो लेस्टर आया हो, मान लो अपना माइकल आया हो, पता नहीं माइकल जिंदा है कि नहीं, मान लेते हैं एक बार को माइकल आया हो, तो पानी के फ्लो के साथ कोई भी चीज़ आगे बहती चली जाती है। तो हो सकता है शायद से वो लोग बहते बहते आगे चले गए हों, क्योंकि पूरे रास्ते भाई मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे और कोई भी कहीं भी नज़र नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है सामने बह के तो कोई ना कोई गया है भाई समुद्र के अंदर, अब वही पता लगाना है कि कौन है या फिर नहीं। देखते हैं, ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा शायद। कोई भी नहीं बह के आया यार भाई शिनचैन, इसका मतलब तू अकेला ही बच के आया वो सर्वियन डांसिंग लेडी वाली जगह से। मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है यार। लिटरली में गाइस में कोई भी नहीं मिला, वो क्या चीज़ है वाइट वाइट पानी के अंदर? पता नहीं यार, कोई मछली वछली होगी बड़ी सी। एक सेकेंड, ओए वेट, कोई है वो? अरे हाँ कोई तो है गाइस। अरे यार, एक तो मैं ढंग से चल भी नहीं पा रहा, ये सर्वियन डांसिंग लेडी और उस घोष रोबोट ने मिलकर इतना पीटा जो है, कौन है भाई ये? पता नहीं यार, जरा पानी से बाहर तो निकालो। माइकल ऐसे कपड़े तो पहन के नहीं गया था यार। नहीं, लेस्टर ऐसे कपड़े पहनता है। कौन है वो? मुंह कितना अजीब सा लग रहा है भाई इसका, ये मुंह इतना ग्रीन ग्रीन क्यों है? क्या चीज़ है भाई ये? सच में क्या अजीब गरीब चीज़ है ये पानी के अंदर। हेलो, डर लग रहा है यार मेरे को तो भाई, ये तो मेरे को कोई मॉन्स्टर लग रहा है। सर्बियन डांसिंग लेडी का ही कोई मॉन्स्टर है क्या?
लेकिन सर्वियन डांसिंग लेडी का अगर मॉन्स्टर होता तो वो उसके साथ होता, ना कि यहाँ पर पड़ा होता। क्या पता किसी ने मार दिया हो। लेकिन मेरे अलावा कौन है इतना बहादुर लॉस सैंटोस में जो सर्वियन डांसिंग लेडी से पंगे लेने की बेवकूफ़ी करेगा। मुझे नहीं लगता गाइस ये सर्वियन डांसिंग लेडी का मॉन्स्टर है। और भाई तुम लोग शक्ल देख रहे हो इसकी, ओ तेरी डरावना तो है ये। एक बार जरा पानी के बाहर निकालूं मैं। अरे निकालो निकालो यार। ओके लेट्स गो गाइस, ये पानी के अंदर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसका मतलब जाहिर सी बात है शिनचैन के साथ ही ये भी आया होगा। चलो भाई फाइनली इससे मैं बाहर लेकर तो आ गया। हेलो ब्रो, कौन है तू, जरा होश में आएगा। ओ भाई इसकी शक्ल कैसी है, कुछ तो अजीबो गरीब आइटम है भाई ये। एक सेकेंड तुम लोगों को मैं इसकी शक्ल दिखाता हूँ भाई। ये देखो जरा भाई साहब कितना डरावना लग रहा है ये। अरे ये है कौन यार। वो तो जब ये होश में आएगा तभी पता चलेगा। हेलो भाई, हेलो ब्रो, जरा बाहर आ जा। ओके आ तो गया बाहर ये। ओके आ गया। ओ ये क्या चीज़ है, अच्छा पैर है इसका। ले आया भाई पानी के बाहर में इसे। हेलो हेलो। अरे यार मैं तो कहता हूँ इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ओए क्या हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मान लीजिए सर्वियन डांसिंग लेडी का ही कोई साथी हुआ तो। वैसे भी वो सर्वियन डांसिंग लेडी एकदम खतरनाक वाली मॉन्स्टर है, ऊपर से हमारा जो रोबोट था उसने घोस्ट रोबोट बना दिया। अरे ये रोबोट की कहानी क्या है यार, जरा अच्छे से बताओगे। अबे तू चुप हो जा। एक तो उसने वो रोबोट था उसे घोस्ट रोबोट बना लिया, क्या पता ये उसी का कोई दोस्त वोस्त हो भाई, ये भी पक्का उसी की तरह कोई मॉन्स्टर होगा। अरे तो एक बार ये होश में आ जाएगा इससे खुद ही पूछ लेंगे। अच्छा मान ली इसने होश में आती अटैक कर दिया तो। अरे तुम्हें लग रहा है ये अटैक करने की हालत में है। हाँ बात तो ये भी सही है गाइस, मान लो अगर ये होश में भी आया तो सीधे अटैक कैसे कर देगा, घायल पड़ा हुआ है ये तो बहुत बुरी तरीके से। आई गेस लेकर चलते हैं इसे हॉस्पिटल। अरे हाँ यार लेकर चलो फटाफट से। आ जा भाई शिनचैन, फटाफट से बैठ, फटाफट से बैठ। ओके लेट्स गो, गाड़ी के ऊपर रखते हैं और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। बट वेट भाई, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है ये। अरे अजीब तो लग रहा है यार, कोई रास्ते में पूछेगा तो क्या कहेंगे। कह देंगे भाई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था इसने और बेहोश हो गया वहाँ पर। हाँ ये कह सकते हैं यार। अरे भाई सब रख लिया मैंने इसे गैस अपनी गाड़ी के ऊपर, और ये तो लग रहा है अभी उठ के अटैक करेगा। सीरियसली मैं इसकी हालत ऐसी है जैसे अभी फटैक से उठ के कुछ तो अटैक करेगा ये। और मुझे नहीं लगता ये अभी अटैक करने की हालत में है भाई, होश में तो है नहीं ये, क्या ही अटैक करेगा किसी पे। एक काम करते हैं फटाफट से इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, डॉक्टर से इलाज करवाते हैं और फिर देखते हैं आगे करना क्या है, फिर इससे पूछते हैं आगे ये है कौन। उसी हॉस्पिटल चलते हैं जहाँ पर शिनचैन ने मेरा इलाज करवाया था। बट वेट, एक प्रॉब्लम है भाई शिनचैन। अरे क्या प्रॉब्लम है यार। इसे मान लो हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर पूछेंगे कि ये कैसा अजीबोगरीब प्राणी है तो हम लोग क्या कहेंगे डॉक्टर से। अरे कह देना यार फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है। और मान ले भाई अगर वो लोग इसका मास्क उतारने लग गए, और जाहिर सी बात है ये इसका मास्क वास तो है नहीं क्योंकि ये फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन वाला थोड़ा है असली में तो एक मॉन्स्टर है, फिर क्या कहेंगे भाई। अफरा तफरी मच जाएगी हॉस्पिटल के अंदर और अलग ही हंगामा मच जाएगा इसको देख के, पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा और अलग ही सीन हो जाएगा। अरे तो क्या बोलते हो यार हॉस्पिटल ना लेकर चले हैं। नहीं भाई इसे हॉस्पिटल ले जाना आई गेस खतरे से खाली नहीं होगा भाई। तो करें क्या फिर, इसको ठीक कैसे करें। मैं एक काम करता हूँ ना, वो जो हमारा फैमिली डॉक्टर है उसे बुलाते हैं। अरे कौन सा डॉक्टर। अबे वही वाला डॉक्टर जिसको भाई मैंने बुलाया था एक बार अपना इलाज कराने के लिए, तो जब वो घर से निकला तो कुत्ते ने काट लिया था उसे। अरे हाँ हाँ याद आया वो। हाँ उसे ही बुला लेते हैं, वो ठीक कर देगा इसे। चलो गाइस फटाफट से घर चलते हैं अपने और डॉक्टर को कॉल करते हैं। लॉस सैंटोस में इतनी जल्दी टाइम बीतता है कि मैं क्या ही बताऊं, ज़रा ज़रा सी देर में सुबह शाम हो जाती है। अभी देखो भाई घर पहुंचते ही शाम हो गई। रास्ते में मैंने डॉक्टर को कॉल भी किया था गाइस, डॉक्टर ने कहा है कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा उनको आने में, तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा। एक्चुअली मैं भाई जो हमारे फैमिली डॉक्टर है उनका एक छोटा सा क्लिनिक चलता है, तो वही अपना क्लिनिक बंद करके आएंगे इसको देखने के लिए। चलो भाई शिनचैन उसे लेकर आ जाए यार घर के अंदर। अरे उतना भारी भरकम मॉन्स्टर मुझसे नहीं उठेगा। तो ठीक है मैं ही लेकर आता हूँ उसे। अरे ये कैसे रख दिया तुमने, ये तो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। बस उसकी शक्ल ही है डरावनी तो इसमें मैं क्या करूँ भाई। बट हाँ गाइस रात को दिखा दो ये मॉन्स्टर, कोई भी डर जाएगा भाई राह चलता बंदा। सही हमारा डॉक्टर कब आएगा, पता नहीं हमारा कैसा फैमिली डॉक्टर है यार, बहुत लेट आता है। अब थोड़ा थोड़ा मैं ठीक चलने लग चुका हूँ फाइनली। यार डॉक्टर ने हद कर रखी है भाई, वो सच में ही क्या ही नमूना है यार, अभी तक नहीं आया है। 9:30 यार, कोई बात होती है कोई वैल्यू नहीं है भाई बात की, उसने 8 बजे तक बोला था, 9:30 बज गए, कहाँ रह गया ये। अरे फ्रैंकलिन कहाँ हो,
अरे आ गया यार आ गया। पर भाई डॉक्टर यार ये कोई टाइम होता है? अरे सॉरी वो क्लिनिक में थोड़े पेशेंट्स ज्यादा हो गए थे। फिर भी भाई 8 बजे बोला था भाई, तू 10 बजे आया अब। सॉरी यार सॉरी सॉरी। वैसे इलाज किसका करना है? इसका भाई, डर तो नहीं लग रहा? अरे डर क्यों लगेगा, इसका पहले मास्क तो उतारो। मास्क नहीं उतारना भाई, वो असली में मॉन्स्टर है। क्या असली में? मेरा क्लिनिक खोलने का टाइम हो गया। अबे 10 बजे कौन क्लिनिक खोलता है? सॉरी सॉरी। अबे भाई आ जा यार प्लीज। मॉन्स्टर मॉन्स्टर का इलाज नहीं करता मैं। अरे सुन ले यार 2 मिनट मेरी बात। मैं मॉन्स्टर का इलाज नहीं करता। अरे सर जी आ जाओ 2 मिनट। अरे सर प्लीज आ जाओ सर। अरे यार लेकिन कोई बात होती है, कोई मॉन्स्टर उठा ला था इलाज के लिए। अरे मॉन्स्टर नहीं है वो, मतलब पता नहीं मॉन्स्टर है कि नहीं। पहले इलाज करो फिर बाद में पता चलेगा कि ये मॉन्स्टर है कि नहीं। देखो इलाज करके मैं फटाफट से भाग लूंगा इसके होश में आने से पहले। हाँ हाँ ठीक है फटाफट से भाग लेना। ठीक है देखता हूँ अभी। पेट में पानी भर गया इसके। अच्छा समुद्र का पानी भर गया होगा। रुको अभी निकालता हूँ। मैंने कर दिया इलाज, जो भी दवाई ववाई देनी थी मैंने दे दी है। अब आधे घंटे के अंदर होश आ जाएगा, मैं निकलता हूँ। फीस? अरे मुझे यहाँ से जाने दे रहे हो, वही बहुत बड़ी फीस है। ठीक है सर, डॉक्टर सर जो भी दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग बुलाएंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। बाय बाय। अरे यार भागो, दोबारा कभी जिंदगी में नहीं आऊँगा मैं। अपना ब्रीफ केस लेते हैं और निकलते हैं। लेकिन यार टैक्सी वाला तो गया शायद, अब मैं वापस अपने घर कैसे जाऊँ? टैक्सी तो है भी नहीं यहाँ पर, क्या करूँ मैं? घर तो वापस जाना ही है। क्या करूँ, टैक्सी नहीं नजर आ रही। एक आध टैक्सी तो दिखी जाएगी। नहीं यार कोई टैक्सी नहीं दिख रही है। चलो चलो आ गया आ गया। अरे ये क्या है, ये कौन है? अरे ये कहीं वही तो नहीं है, वो जो सरबीन डांसिंग लेडी के बारे में सब बात करते हैं वही लग रही है। सब लोग कहते तो हैं वाइट और ब्लैक कलर के कपड़े हैं, आधी रात को कहीं भी वो डांस करती हुई दिख जाती है, जो भी कोई उसे देख लेता है फिर वो छोड़ती नहीं है उसे। इसका मतलब नहीं ऐसा नहीं होगा मेरे संग। ये परछाई किसकी है? ये इधर दीवार पे परछाई किसकी है? नहीं। पता नहीं भाई कब आएगा इसे होश, डॉक्टर इलाज करके तो गया। वेट करते हैं कुछ देर शिनचैन भाई। अरे हाँ यार चलो थोड़ी देर वेट ही करते हैं। वैसे सर्वीन डांसिंग लेडी का खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ यार लॉस सैंटोस में, वो अभी भी कहीं ना कहीं अपना शिकार ढूंढने निकली होगी। आई गेस घर के बाहर ज्यादा देर तक रहना खतरे से खाली नहीं है भाई शिनचैन। अरे तो करे क्या हम लोग, इधर ही रुकते हैं अभी। ये इसके होश आएगा इसको तो पता चलेगा क्या करना है भैया आगे। ये क्या है, मॉन्स्टर है कि हमारा कोई फ्रेंड बन सकता है? जल्दी से बस होश आ जाए इसे, तब तक बाहर की हवा खाता हूँ मैं शांति से। काले काले बादल छा रखे हैं, चांद भी छुपा हुआ है बादल में, और टाइम हो चुका है गाइस। अबे यार 12 बज गए, बताओ अभी तक उसे होश नहीं आया। अरे आ गया आ गया आ गया। आ गया क्या आ गया? अरे होश आ गया यार। होश आ गया? अरे हाँ यार इसे होश आ चुका है। वेट, ओ यस गाइस फाइनली भाई होश आ चुका है इसे। ओके हेलो भाई, हेलो तू कौन है भाई? हेलो भाई मॉन्स्टर तो नहीं लग रहा अभी तक, अटैक वटैक या तड़प रहा होता ये भागने के लिए यहाँ से, या अभी तक भाग चुका होता तो शांति से बैठा हुआ है और नींद आ रही है इसे, बताओ अभी सो रहा है। अबे तू है कौन वे टेढ़ी नाक वाले भाई, वो अजीब गरीब सी शक्ल वाले भाई, तू है कौन जरा बताएगा तू? हेलो क्या है ये? हेलो कुछ नहीं बोल रहा भाई। हेलो मैं क्या मैं कर रहा है भाई, बकरी है क्या तू? तुम कौन हो पहले ये बताओ। अरे ये तो वही बच्चा है। कौन सा बच्चा, तू इसे जानता है? बिल्कुल। अबे तू है कौन पहले तू ये बता। मेरा नाम है ह्यूमन डेविल। ह्यूमन डेविल, ये कैसा नाम है भाई, इंसान भी और शैतान भी, ह्यूमन डेविल पहली बार कुछ सुना है नाम, जरा एक्सप्लेन करेगा? विल यू प्लीज इलेबोरेट। क्या मतलब तू जरा एक्सप्लेन करेगा भाई, तू क्या है ह्यूमन डेविल क्या है ये? तू क्या सर्वे डांसिंग लेडी को जानता है? उसका नाम मतलब मेरे सामने, उसका नाम सुन के मेरा खून खौल उठता है। अबे तू है कौन पहले ये बता, तू जरा एक्सप्लेन कर भाई। अरे देखो वो मैं तुम्हें मैं वो मैं। अबे मैं वो फिर करने लग गया। मैं तुम्हें इस वक्त कुछ नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ से भागना होगा। क्यों भाई क्या हो गया? पीछे पीछे देखो अपने पीछे। ओए तेरी, अरे फेमे यार ये क्या हो गया? ओए भागना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ से, जल्दी आजा भाई शिनचैन आजा। अरे लेकिन वो ह्यूमन डेविल। ओ नहीं 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 गाइस, पहले उसे बचाना पड़ेगा।
ओ भाई यार, लेकिन अंदर तो वो सर्बियन डांसिंग लेडी है। एक सेकंड गाइस, रुको, फेंकता हूँ अभी ये स्मोक ग्रेनेड्स। यस, लेट्स गो भाई, तू तैयार है? ह्यूमन डेविल प्लीज रेडी, आजा फटाफट से। अरे मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अरे कोशिश कर प्लीज भाई, कोशिश कर एक बार, आजा। ओ यस, ह्यूमन डेविल भाई आजा, जल्दी आजा जल्दी बाहर। अबे किधर जा रहा है भाई? अबे धुएं में इसे रास्ता ही नहीं पता चल रहा। अबे वो गिर गया। अरे फेमे यार, कह तो रहा है वो चल नहीं पा रहा है। ह्यूमन डेविल जल्दी आ, इससे पहले कि सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे ऊपर अटैक कर दे। आजा, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अरे फेमे यार, तुम्हारे पीछे है। मेरे पीछे क्या? ओ तेरी, भाई साहब ये इधर भी आ गई। क्या करूं मैं? अब यार जल्दी बैठो ना तुम लोग गाड़ी के अंदर। आ जाओ, बैठो। ये क्या हुआ है? सर्बियन डांसिंग लेडी एक ही जगह पे कैसे रुक गई भाई? वो मेरी वजह से। तेरी वजह से? वो कैसे? बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से निकलो, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। क्या शिनचैन भाई, जल्दी से गाड़ी पे बैठ। लेकिन भाई तेरी वजह से कैसे रुकी पड़ी है? जल्दी से गाड़ी निकालो। अरे पहले तू बता, ये यहाँ पर कैसे रुकी हुई है? मैं उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, पहले भागो यहाँ से। ओके, वो आ रही है, पीछे ही आ रही है। ओके भाई, जरा बताएगा वो क्या था? तूने उसे कैसे रोक रखा था भाई? पहले यहाँ से निकल लो किसी सेफ जगह पे, फिर बताऊंगा मैं। भाई सेफ जगह पे तो हम लोग निकल लेंगे, लेकिन तू पहले बताएगा भाई, तूने उसे रोक कैसे रखा था? तू है कौन? बताया तो सही, मैं ह्यूमन डेविल हूँ। अरे तो ह्यूमन डेविल तो तेरा नाम हो गया ना भाई। मेरा नाम भी यही है और मेरी असलियत भी यही है। मतलब ये कि पहले सही जगह पर निकलो, वरना सर्बियन डांसिंग लेडी हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, लेट्स गो गाइस, फटाफट से निकलते हैं यार यहाँ से किसी सेफ जगह पे। कहाँ निकले? मेरे को एक जगह पता है, वहाँ चलते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे फेमे यार, चलो फटाफट से चलो। लेट्स गो गाइस, फटाफट से निकलते हैं हम लोग किसी भी सेफ जगह पे। ओके बता भाई, कहाँ है वो सेफ जगह? यहाँ से पहले अमीरों के मोहल्ले की तरफ ले लो। अरे वाह, तुझे भी अमीरों के मोहल्ले में पता है? मतलब इसका मतलब तू लॉस सैंटोस का ही है। हाँ, पहले चलो यहाँ से, फालतू के सवाल नहीं इस वक्त, वो सर्बियन डांसिंग लेडी हमारे पीछे ही आ रही होगी। अच्छा ओके गाइस, यहाँ से फुल स्पीड में गाड़ी भगा तो रहा हूँ मैं। अमीरों के मोहल्ले जस्ट पहुँचने वाले हैं हम लोग। ओके जरा बताएगा भाई, तू अब कहाँ जाना है? पहले अमीरों के मोहल्ले पहुँचो ना तुम। ठीक है, गुस्सा क्यों हो रहा है इतना? ओके, ये फाइनली पहुंच चुके हैं अमीरों के मोहल्ले की तरफ। अब तू बता इधर से कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ पहाड़ पर एक गुफा है, उधर ले लो। कहाँ है वो गुफा? आगे चलो इस रोड से थोड़ा सा। अरे यार, ये तो लगता है वो एक छोटी सी गुफा नहीं है, वहाँ ले जाना चाह रहा है हमें। हाँ, वहीं पर ले चलो। वो गुफा तो इधर ही है। चलो भाई, अलग ही लोकेशन पर हमें ले जा रहा है ये। वहाँ नहीं आएगी सर्बियन डांसिंग लेडी? उस जगह के बारे में शायद सर्बियन डांसिंग लेडी को ना पता हो। अच्छा ठीक है फिर तो। और ये आ गए। ओके नाइस, बढ़िया। बस यहीं पर रोक लो गाड़ी को। एक काम करता हूँ ना, थोड़ा रिवर्स में घुसाता हूँ इस गाड़ी को इस गुफा के अंदर। अरे यार जल्दी से गाड़ी को रोको, यहाँ पे वो सर्बियन डांसिंग लेडी हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। हाँ ठीक है भाई, नहीं ढूंढ पाएगी, यहाँ पर आ गए ना हम लोग। क्यों भाई शिनचैन? अरे हाँ यार, यहाँ तक थोड़ी ना आएगी वो। अब तू बता भाई, तू है कौन एक्चुअली में, और तेरा नाम क्या, और तू क्या काम करता है, और तूने सर्बियन डांसिंग लेडी को कैसे लिटरली में एक ही जगह पे रोक दिया भाई? पहले 2 मिनट बैठो, अच्छी तरीके से बताता हूँ। ठीक है, तू तो भाई बैठ ही गया यहाँ पे। तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, क्योंकि कल सुबह से पहले हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। तो बता तू जरा। रुक जाओ एक सेकेंड। ओए यार, कहाँ से आई? मैंने लगाया ये। तेरे पास पावर्स है भाई, मैजिकल पावर्स? बिल्कुल। जरा तू बताएगा भाई, तू है कौन? तो सारी सच्चाई मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। मैं एक्चुअली मैं तुम्हारी तरह ही एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था। ठीक है। लेकिन एक दिन सर्बियन डांसिंग लेडी ने मुझे पकड़ लिया। ओके। और सर्बियन डांसिंग लेडी जो है हमेशा किसी को भी पकड़ने के बाद बेहोश करके रखती है। हाँ वो तो अभी शिनचैन ने बताया तो मेरे को पता है। बिल्कुल, लेकिन मैं उसकी बेहोशी से जाग गया। क्या? यस। ओ भाई साहब, बेहोशी से तू जाग कैसे गया? ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं जाग गया, जिसकी वजह से सर्बियन डांसिंग लेडी मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई और गुस्सा हो गई। ओके फिर? फिर क्या, मुझसे गुस्सा होने के बाद उसने अपनी एक बहुत ही ख़तरनाक पावर का यूज़ किया और मुझे मॉन्स्टर बना दिया। क्या?
तू लिटरली में भाई एक मॉन्स्टर है। यस, मैं लिटरली में एक मॉन्स्टर, एक डेविल हूँ। ओह, इसीलिए तूने अपना नाम ही रख लिया ह्यूमन डेविल। यस, क्योंकि मैं पहले ह्यूमन हुआ करता था, अब मैं एक डेविल बन चुका हूँ। ओके, गॉट इट। और इस तरीके से मेरी और सर्विनान सिंह लेडी की हमेशा के लिए दुश्मनी हो गई। तो वो तेरी दुश्मन बन गई और तू उसका दुश्मन बन गया। बिल्कुल, उसने मेरे को मॉन्स्टर बनाया तो सही, लेकिन वो बेवकूफ़ ये भूल गई कि जब उसने मेरे ऊपर मॉन्स्टर वाली पावर का यूज़ किया, उसके साथ ही साथ कुछ और पावर्स भी मेरे पास आ गई। तो मैं इस तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन से एक नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बना, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन से एक डेविल मॉन्स्टर बन गया, जिसके पास बहुत ही यूनिक पावर्स भी हैं। ओके, तो सर्वियन डांसिंग लेडी बस तेरा चेहरा वहरा, तेरी बॉडी वॉडी बर्बाद करना चाहती थी, तुझे बस मॉन्स्टर की तरह दिखाना चाहती थी। यस, लेकिन गलती से उसने पावर्स भी दे दी तुझे। बिल्कुल, अरे ये तो बहुत सही गलती की उसने। शायद जिसकी वजह से आज मैं जिंदा भी हूँ। वैसे तू ये बताएगा कि तू वहाँ पानी में कैसे गिरा हुआ था समुद्र के किनारे? एक्चुअली में हुआ क्या कि मैंने प्लान बना लिया था सर्वियन डांसिंग लेडी को मुझे मारना है। अच्छा, तो मैं मारने के लिए उसके अड्डे पे गया। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे मैं गया तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारे लोगों को उसने किडनैप करके बेहोश कर रखा है। अच्छा जी, और सबसे पहली लाइन में ये शिनचैन ही पड़ा हुआ था बेहोश, यही नाम है ना इसका? हाँ हाँ, यही नाम है। तो यही बेहोश पड़ा हुआ था सबसे पहली लाइन में, तो मैंने इसे वहाँ से उठाया और मैंने सोचा चलो इसको यहाँ से बचा के भगा देता हूँ। तभी उसी टाइम पर वहाँ सर्वियन डांसिंग लेडी आ गई और उसने अपनी किसी तो पावर का यूज़ किया और हमें टेलीपोर्ट करके नदी के किनारे फेंक दिया। ओके, और उसके बाद उसकी पावर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया और शिनचैन टेलीपोर्ट होकर नदी किनारे आ गया। मैं भी नदी के किनारे आ गया, लेकिन नदी के फ्लो के साथ मैं बह के समुद्र में पहुंच गया और वहां पर तू बेहोश हो गया। बिल्कुल, तो ये कहानी है। मैं कह नहीं रहा था यार, नदी के फ्लो के साथ कोई ना कोई तो आया ही होगा, शिनचैन अकेला तो नहीं आया होगा। इसका मतलब तूने शिनचैन की जान बचाई भाई। बिल्कुल, अरे यार थैंक यू डेविल मॉन्स्टर भैया। डेविल मॉन्स्टर नहीं, ह्यूमन डेविल। अरे वही ह्यूमन डेविल भैया, थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे तू एक बात बताएगा, तूने अभी कहा कि तू सर्बियन डांसिंग लेडी को मारने के लिए उसके अड्डे पर गया था, तो तुझे उसके अड्डे की लोकेशन पता है? पता थी। थी मतलब? जब वहां से मुझे सर्बियन डांसिंग ने टेलीपोर्ट करके नदी के किनारे भेजा, उसी वक्त उसने मेरी सारी मेमोरी मिटा दी। तो फिर तुझे ये सब कैसे याद है? उसने ये सब छोड़ दिया, जो डेटा था मेरे दिमाग के अंदर उसके बेस का, वो सारी मेमोरी उसने मिटा दी। ओके ओके, तो इसका मतलब तुझे कुछ भी याद नहीं है कि तू उसके बेस तक कैसे पहुंचा? नहीं। और तूने कहा कि तू उसे मारने के लिए गया था, जहां तक मुझे पता है सर्वियन डांसिंग लेडी को तो कोई ह्यूमन मार ही नहीं सकता है। तो मैं ह्यूमन कहाँ हूँ, मैं तो एक डेविल हूँ। नहीं मतलब, मैं मेरे गुरुजी हैं, उनसे मैंने पूछा था कि सर्वियन डांसिंग लेडी को किस तरीके से मारा जा सकता है, तो उन्होंने कहा था कि कोई भी ह्यूमन उसे नहीं मार सकता, कोई मशीन मारेगी। हाँ, तो मशीन भी मार सकती है, ह्यूमन के अलावा कुछ भी उसे ख़त्म कर सकता है। मॉन्स्टर भी और मशीन्स भी। बिल्कुल। ओके, तो आई गेस गाइस ये हमारा साथी बन सकता है यार सर्वियन डांसिंग लेडी को ख़त्म करने में। तो एक बात बता, तेरे पास ये भी पावर्स है कि तू सर्वियन डांसिंग लेडी को किसी जगह पे रोक सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के लिए रोक सकता हूँ बस मैं। अच्छा, ओके। तेरे पास और क्या क्या पावर्स है? अभी तो मुझे खुद ही अपनी शक्तियों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे करके मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अपनी ही पावर्स को। ओके गाइस, तो आज तो भाई एक अजीबोगरीब ही बंदा मिला है हम लोगों को लिटरली में। गाइस, इतने दिनों से सर्बियन डांसिंग लेडी से हम लोग फाइट कर रहे हैं बिना पावर्स के, उसके पास हजारों पावर्स हैं और वो हर बार हमें चकमा दे देती है, बट पहली बार हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जिसके पास सर्बियन डांसिंग लेडी के टक्कर की पावर है। तो भाई ह्यूमन डेविल, क्या तू हमारी मदद करेगा सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने में? एक बात बताओ, तुम भी कोशिश कर रहे हो क्या? बिल्कुल भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उस सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करने की, और तू भी उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी दुश्मन है और तू उसका दुश्मन है, इसका मतलब दुश्मन दुश्मन भाई भाई। यस, दुश्मन दुश्मन दोस्त। तो आई गेस हम दोनों को मिलकर सर्बियन डांसिंग लेडी को खत्म करना चाहिए। खत्म तो हम लोग कर सकते हैं। वही तो भाई, तुझे भी काफी सारी चीजें पता है सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में और मुझे भी सारी चीजें पता है। आई गेस गाइस
हम दोनों मिलकर यार डेफिनेटली कुछ तगड़ा प्लान करेंगे और सर्बियन डांसिंग लेडी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ऐसा हो जाएगा, बस तुम लोग जाकर यार इस वाली वीडियो को लाइक करो अभी के अभी। अरे हाँ यार, फटाफट से जाकर वीडियो को लाइक करो यार अभी के अभी। यस गाइस, अभी के अभी जाओ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को 30,000 लाइक तक पहुंचाओ। अभी तक लाइक नहीं किया तो जाओ लाइक करो और फिर हम लोग मिलकर खत्म करेंगे सर्बियन डांसिंग लेडी को। अरे लेकिन एक बात तो बताओ मुझे। क्या बात बताऊं? अरे वो रोबोट कौन था उसके संग? रोबोट? हाँ भाई, एक घोस्ट रोबोट भी है उस सर्बियन डांसिंग लेडी के साथ। अच्छा, वो घोस्ट रोबोट, वो अजीबोगरीब सी शक्ल, लाल सी नाक थी उसकी, एक आंख नहीं थी उसकी। हाँ 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 वही। अरे उसी ने तो जाकर सर्बियन डांसिंग लेडी को बता दिया था जब मैं सर्बियन डांसिंग लेडी के बेस के अंदर गया था। अच्छा हाँ, ओके, इसका मतलब सर्बियन डांसिंग लेडी से पहले हमें उस घोस्ट रोबोट को खत्म करना पड़ेगा। पहले मुझे ये बताओ, ये घोस्ट रोबोट क्या है, कहाँ से आ गया ये? अरे क्या ही बताओ यार, मैं तुझे इस घोस्ट रोबोट को लेकर आया था मैं सर्बियन डांसिंग लेडी को मारने के लिए, लेकिन उस सर्बियन डांसिंग लेडी ने अपनी किसी पावर का यूज कर लिया और उस घोस्ट रोबोट को उसने अपनी तरफ ही कर लिया। अच्छा, तो उसके पास ये पावर्स भी है? हाँ भाई, उसके पास ये पावर्स भी है कि वो किसी के दिमाग पर कब्जा कर सके। समझ गया मैं। वही तो भाई, इसलिए डर मुझे तेरा भी है कि मान लो हम दोनों मिलकर उसको खत्म करने के लिए गए और क्या पता उसने तेरे भी दिमाग पे कब्जा करके अपना ही दोस्त बना लिया। इसका तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ताकि वो हमारे माइंड को कंट्रोल ना कर सके। वही तो। अरे हाँ यार, अगर ऐसा कर लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ गाइस देखो, सबसे पहले तो हमें उस घोस्ट रोबोट को खत्म करने के बारे में सोचना है, और अगर उसके बाद कुछ सोचना है तो उसके बाद हमें सोचना है कि किस तरीके से हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल होने से बचा सकते हैं सर्बियन डांसिंग लेडी से, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी के पास ऐसी पावर है कि वो किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकती है। तो हो सकता है मान लो कल को अपना ये ह्यूमन डेविल जाए अटैक करने के लिए और वो इसी को अपना साथी बना ले, तो इसी की दिक्कत है भाई। हाँ, इसका भी हम जुगाड़ जरूर करेंगे, बाकी आराम कर लो, सुबह देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, आराम कर लेते हैं। शिनचैन भाई तू भी सो जा थोड़ी देर, बाकी एक बार जरा मैं देख के आऊँ सर्बियन डांसिंग लेडी आजू बाजू तो नहीं है। बाहर जाना खतरनाक है, बाहर मत जाओ। ठीक है, अंदर ही सो लेते हैं। मिलता हूँ मैं गाइस तुम लोगों से कल सुबह, तब तक तुम लोग जाकर गाइस इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फॉलो करो यार। अरे उठो फ्रैंकलिन, सुबह हो गई। सुबह हो गई? ओह यस, फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है, तो अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी भूल गए, रात को अटैक करती है वो। अरे हाँ, लेकिन उसका क्या भरोसा, उसका जो वो साथी है घोस्ट रोबोट, वो क्या दिन में अटैक कर सकता है? हाँ भाई, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें उसे ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में टांग ज़रूर अड़ा सकता है। वही तो, आओ पहले हमारे घर पे चलते हैं, फिर उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। आ जाओ फटाफट, गाड़ी में बैठो तुम लोग। अरे आ जा भाई। रुको, ये आग तो गायब कर दूँ मैं, अब आता हूँ मैं। आग गायब कर दी लिटरली में उसने? क्या बात है यार, पावर्स तो हैं इसके पास। तेरे पास और कौन सी पावर्स है यार भाई? ह्यूमन डेविल? मेरे पास किसी भी चीज़ को उड़ाने की पावर है। उड़ने की भी पावर है तेरे पास? उड़ने की नहीं, उड़ाने की। हमारी गाड़ी को उड़ा सकता है? ये लो। अरे भाई साहब, लिटरली में हमारी गाड़ी उड़ रही है भाई। मैं बस एक ही जगह पे उड़ा सकता हूँ, आगे पीछे नहीं कर सकता। ये भी ठीक है, वाह यार हवा में हम लोग। और ऊपर जाना है? नहीं नहीं, नीचे ले चल भाई, बहुत ऊपर आ गए यार, डर लग रहा है। ठीक है चलो नीचे। ओके, अभी हमारी गाड़ी लिटरली में गाइस नीचे जा रही है। भाई साहब पावर्स तो हैं इसके पास, ये तो मैं मानता हूँ भाई, पावर्स तो इसके पास हैं, पक्का है। ये आ गए नीचे। ओके चलो भाई, आ गए फाइनली। अरे हाँ यार, पावर्स तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ी थी। सीरियसली मैं यार, क्या बात है, सच में हमारी गाड़ी किसने उड़ा दिया हवा में? ऐसे अभी उतनी सुबह नहीं हुई है, इसलिए सड़कों पर अभी लोग नहीं है। चलो जल्दी जल्दी हम लोग घर पहुंचते हैं, इससे पहले कि सड़कों पे लोग आएँ, क्योंकि भाई खाली सड़कें होती है तो गाड़ी एकदम फर्राटा दौड़ती हैं। ऐसे गाइस तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो यार कमेंट में जाके बताओ, क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारे क्लूज हैं। देखो हमारे पास तो एक मैजिकल स्टोन भी है, उससे हम लोग सर्बियन डांसिंग लेडी को ट्रैक कर सकते हैं। फिर हमारे पास हमारा ये मस्त वाला दोस्त है। ये मैजिकल स्टोन क्या बोला तुमने? बाद में बताऊंगा तुझे। तो हमारे पास अभी हमारा ये एक दोस्त है ह्यूमन डेविल, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी हमारे पास वो गोल्डन स्नाइपर भी है। अब ये गोल्डन स्नाइपर क्या है बताता हूँ मैं तुझे, सब कुछ बाद में बताता हूँ। तो हमारे पास अब की काफ़ी ज़्यादा क्लूज हैं गाइस, काफ़ी
ज्यादा हिंट्स है, काफी ज्यादा हेल्प है हमारे पास। तो इन सारी हेल्प्स का यूज करते हुए तुम लोगों के पास अगर कोई प्लान है तो जाकर गाइस कमेंट में बताओ, मैं डेफिनेटली रीड करूंगा और उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा सर्वे डांसिंग लेडी पे। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन प्रेस करके याद से ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।